हे गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करवित, और आपका एक बार फिर पेबल्स फूड कार्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक और कैफ़े लेकर आए हैं। एक और कैफ़े से मेरा मतलब ये नहीं कि सेम रेगुलर कैफ़े, इस बार हम आपको एक डिफरेंट कैफ़े लेकर आए हैं। कैफ़े होते तो वैसे टाइम पास के लिए ही हैं, वहाँ पे फूड तो अच्छा मिलता है, इंटीरियर भी एकदम शानदार, जो आपका माइंड भटका दे, जो आपको रिलैक्स दिलाए। और इसी कुछ टाइम पास कैफ़े की तरह एक और कैफ़े है जिसका खुद एक नाम है टाइम पास कैफ़े। इसका खुद ही नाम टाइम पास कैफ़े, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे तो फुल टू टाइम पास होता होगा। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ टाइम पास होता है तो ये लोग अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते। ये बहुत चलता है कैफ़े यहाँ पे, ऑल टाइम लगभग अच्छी खासी भीड़ रहती है, कस्टमर्स विजिट करते हैं। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा कि मैं यहाँ पे जाके एक व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेस है। आप बाहर से ही देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, एक जैसे ऑथेंटिक कैफ़े होते हैं जो पहले के टाइम पे होते थे 90s में, वैसा ही कैफ़े जो उसका बाहर से एक्सटीरियर है वैसा लग रहा है। अब दोस्तों, आगे चल के देखते हैं ये और कैसा शानदार है, इसमें और कैसी डेकोरेशन आई। तो दोस्तों, ये है टाइम पास कैफ़े का एक्सटीरियर, जो आपको इसके टाइम पास कैफ़े के गेट जो अंदर लेकर जाता है टाइम पास कैफ़े के, उसके जस्ट बाहर आपको मिलेगा। और ये देख के आपको कितनी खुशी होगी, इन लोगों ने इसको कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट कराया, मतलब आपको ऊपर एक शेड डाला हुआ है इन लोगों ने, ताकि ज़्यादा कैफेज में क्या होता है, बाहर भी सेटिंग अरेंजमेंट होता है और अंदर भी सेटिंग अरेंजमेंट होता है। अगर आपको बाहर का मौसम अच्छा लग रहा है, बाहर बैठ के आप अपना फूड इंजॉय करिए, दोस्तों के साथ गपशप करिए, टाइम पास करिए, ऐसे ही इन लोगों ने इसको कितना अच्छे तरीके से डेकोरेट करा है। फिर इधर अगर आप देखेंगे तो एक स्टेप ऊपर इसमें नीचे ग्रास, जो आर्टिफिशियल ग्रास होते हैं, वो लगाई है, ताकि आपको लोग को ऐसा लगे कि आप एक गार्डन में बैठे। और जो ये दो बेंचेस हैं, ये जो दो बेंचेस हैं, ये ऐसी जो बेंचेस होती है, जो इनकी स्टाइल है, ये यूजुअली आपको मिलती है कहाँ, गार्डन्स पे। इसीलिए इसको नीचे की बाहर की जो एक्सटीरियर थीम है वो गार्डन थीम दी गई है। और ये इधर आप देखेंगे तो साइड में ग्रासेस को, जो आर्टिफिशियल ग्रासेस को डिज़ाइन में काट के लगाया गया है। और ये जो यहाँ से गेट है, उसकी जो इन लोगों ने डेकोरेशन करी है, एकदम ऑथेंटिक कैफ़े की तरह। ये तो बाहर का तो बहुत अच्छा था। और दोस्तों, अगर आपने एक और चीज़ गौर करी होगी तो इस पर लिखा है नो स्मोकिंग एरिया, स्मोकिंग प्रोहिबिट है, यानी ये लोग स्मोकिंग को बिल्कुल भी जो है सपोर्ट नहीं करते, जो बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग देखे तो लोग अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए स्मोकिंग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो आप ही को अफेक्ट करेगी, आप ही की जो हेल्थ है उस पर अफेक्ट करेगी, इसलिए प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। इन्होंने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया अपने कैफ़े के थ्रू, नो स्मोकिंग एरिया। तो दोस्तों, आप अंदर चल के देखते हैं टाइम पास कैफ़े में और क्या टाइम पास हो रहा है, आइए। काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज, और कितने अच्छे तरीके से इसका इंटीरियर डिज़ाइन करा गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट करा है, चाहे इसका सीटिंग अरेंजमेंट हो, ऊपर सीलिंग हो या वॉल्स हो, और जो बाहर का व्यू है वो भी एकदम परफेक्ट यहाँ से आता है, और जो ये पूरे किचन का जो इसका जो एंट्रेंस है वो भी बहुत शानदार है। दोस्तों, अगर आप वॉल्स पे ध्यान दें तो एक ग्रैंड फादर क्लॉक है, जिस पे बड़ा बड़ा लिखा है टाइम पास कैफ़े। यहाँ पे हर वॉल पे आपको किसी ना किसी उसमें स्नैप में, चाहे वो पेंटिंग हो, पोर्ट्रेट हो, उस पर आपको टाइम पास कैफ़े ज़रूर लिखेगा। ये इनका जो टाइम पास कैफ़े, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर प्राउड टू रिप्रेजेंट देयर कैफे एज टाइम पास कैफ़े। और इधर आपको एक कपल दिखेगा, एक मैन और एक वुमेन, दोनों एक कॉफ़ी पी रहे हैं, और कितना अच्छा लग रहा है कि दोस्तों, इनकी जो कार्टून ड्राइंग है वो कितनी क्रिएटिव है, काफ़ी अच्छा तरीके से इन्होंने काफ़ी पेंट करा है इसको, ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल पेंटर ने पेंट करा है टाइम पास कैफ़े। उसके ऊपर एक वॉल है, वो कितनी शानदार जो वॉल है उसको ब्लैक कलर करके, उस पर क्लॉक है जो बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखा रही है। फिर इधर एक और क्लॉक है टाइम पास कैफ़े, आप अगर देखेंगे तो कॉफ़ी मग है, वो कॉफ़ी मग है, साइड में जो वॉच होती है, वॉच का जो क्लॉक का जो राउंड होता है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, उसको उन्होंने उसका हैंडल बनाया है। और फिर नीचे स्पून जो उसका पेंडुलम होता है, उसको एक स्पून बनाया है, स्पून इन द सेंस मतलब पेंडुलम, जिसे आप सूप अपना स्पून से आप शुगर या उसमें एडेड फ्लेवर्स आप उसको मिक्स कर सकते हैं। फिर उधर देखेंगे तो आप ऊपर उसके वो निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ करा है। फिर साइड अगर आप देखें तो एक और ग्रैंडफादर क्लॉक है, इस पर भी टाइम पास कैफ़े। टाइम पास कैफ़े से यानी आपका इनका मतलब है क्लॉक्स पर टाइम पास कैफ़े लिखना, यानी टाइम पास करना इन द सेंस टाइम का आपको कोई फ़र्क ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप इधर वॉल पे देखेंगे तो टाइम पास कैफ़े के जो वॉल है उसमें थोड़ा ऊपर पोर्शन में आपको दिखेगा एक लेडी है,
लेडी ने जो गॉगल्स पहने उसमें एक ग्लास में लिखा है टाइम पास और एक ग्लास में लिखा है कैफे, यानी उसको क्या दिख रहा है, सिर्फ टाइम पास कैफे, उसको कुछ नहीं दिखेगा, उसको केवल टाइम पास करना है कैफे में आके। फिर दोस्तों अगर आप इधर देखेंगे तो इधर कितनी अच्छी लाइटिंग्स हैं, बल्ब्स, जो एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाली लाइटिंग्स मैं देख रहा हूँ, जो मैंने आज से पहले कहीं ऐसे लाइटिंग्स नहीं देखी। बल्ब्स जो लाइट होती है वो एकदम फैल नहीं रही, एकदम प्रॉपर पोजिशन पर आके गिर रही है, ऐसा जैसे वो स्पॉट लाइट होती है वैसे। और जो आप सेटिंग अरेंजमेंट देखेंगे वो उसके तो क्या कहने, एकदम शानदार सेटिंग अरेंजमेंट, प्योर वुडन, ऑल वुडन, ये क्या कहते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट है। इसमें किसी भी टाइप का कुछ कुशन नहीं, पहले क्योंकि कुशन नहीं होते थे, लोग जो कैफेज होते थे वो वुडन सीट्स पे बैठते थे, क्योंकि ऑथेंटिक कैफे है ये, एकदम पूरा ऑथेंटिक उस पर है ये, थीम पे ऑथेंटिक कैफे, वुडन, प्योर वुडन है ये। और एक बड़ा सा इसमें डाइनिंग टेबल जैसी बड़ी एक टेबल है, फिर उसके साइड में 6 चेयर्स, फिर इधर प्राइवेट चेयर्स, बहुत शानदार दिख रहा है ऐसे इधर से ये। और जस्ट मेरे पीछे यहाँ की किचन और कैश काउंटर है, ये यहाँ का कैश काउंटर, और इधर ही साथ ही साथ किचन है यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने इसको जितनी अच्छी तरीके से अपना डिज़ाइन करा है, टाइम पास कैफे को उतनी अच्छी तरीके से इन्होंने इनका सिटिंग अरेंजमेंट भी मैनेज करा है। कुछ यहाँ पे आपको देखेगा कि कंजस्टेड नहीं है, एकदम सब स्पेशियस है, भली सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ का ज़्यादा है लेकिन स्पेशियस कितना है ये। और नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, कितना इन्होंने हाइजीन का, लोगों का ध्यान रखा है, एकदम साफ़ सुथरा, कोई आपको गंदगी नहीं दिखेगी, एकदम नीट एंड क्लीन। आप अगर बाहर से आएंगे तो आप यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा, आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कि आपको लगेगा हाँ मैं किसी अच्छी जगह पे आया हूँ, और यहाँ पे आपको खाना खाने में बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान मिलेगा। दूसरा अगर आप नीचे फ्लोर देखें तो ब्लैक एंड वाइट, जैसे चेस आप अगर आप खेलते होंगे तो चेस बोर्ड में जैसे ब्लैक एंड वाइट कलर का वो उनका जो बोर्ड होता है जिस पे वो चेस खेलते हैं, वो सेम टू सेम वैसा ही हूबहू बोर्ड लग रहा है। और बोर्ड के साथ साथ, जैसे चेस बोर्ड के साथ साथ, इतनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट्स और ड्राइंग्स और जो कुछ बोल रहे हो अपने आप में, जैसे ये क्लॉक और कॉफ़ी मग कुछ बोल रहा है। और फिर अगर आपको देखेंगे तो ये जैसे मैंने आपको वॉच दिखाई थी थोड़ी देर पहले, आप इसे नज़दीक से देखें तो ये वॉच कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक और एकदम एंटीक पीस वाली वॉच लग रही है। इस वॉच को अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर आपको कुछ ड्राइंग्स ही दिखेगी, जैसे पहले के ज़माने में इंस्क्रिप्शन होते थे वैसे। और फिर ये क्लॉक है, पर एसी भी है। और अगर आप थीम देखें, कलर थीम देखें, ब्लैक एंड वाइट नीचे फ्लोर और ऊपर सीलिंग एकदम ब्लैक। तो दोस्तों ये है टाइम पास कैफे मेन्यू कार्ड टुडे स्पेशल, इन्होंने कितने डिफरेंट तरीके से अपना मेन्यू जो टुडे स्पेशल है उसको रिप्रेजेंट कराया। मतलब साइड में आपको मोहितो मिलेगा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, हॉट डॉग्स, नूडल्स और कॉफ़ी, जो जितनी भी चीज़ें कैफे में मिलती हैं, जो कैफे के बेसिक चीज़ें होते हैं वो इन्होंने यहाँ पे ड्रॉ कराया। और टुडे स्पेशल में आ जाए बनाना एंड चॉकलेट इन्फ्यूज मिल्क शेक, यानी आपको चॉकलेट शेक और बनाना शेक जो आपको अलग अलग लेना होगा वो यहाँ पे मिक्स करके इन्फ्यूज मिल्क शेक मिलेगा। कितना अच्छी बात है टाइम पास कैफे की ये। और दोस्तों अब बात करते हैं उनसे जो कि टाइम पास कैफे के कैश काउंटर के पीछे है। तो चलिए गाइस अब उनसे बात करते हैं जो यहाँ टाइम पास कैफे के कैश काउंटर के पीछे खड़े हैं उनसे। हेलो सर, सर आपका नाम? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी, सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप माइंड मत करिएगा। आप यहाँ के ओनर हैं, मैनेजर हैं? ओनर हूँ, ये मेरे पार्टनर हैं। ओके, योर नेम सर? आशीष मुखर्जी। आशीष जी, तो ये आपके पार्टनर हैं, यानी आप दोनों एक जॉइंट वेंचर में आप ये कैफे चला रहे हैं। तो सर ये टाइम पास कैफे जो कॉन्सेप्ट है ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट बबलू मुखर्जी हैं, इनके डैडी, उनका ये कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली क्या था, हमें मीरा रोड में एक ऐसा फील देना था जैसे साउथ मुंबई में मिलता है, क्योंकि मीरा रोड में ऐसा कैफे है नहीं। इस वजह से हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट रखा है, और इसी वजह से ये इस तरह का टच दिया हुआ है कि हमें मीरा रोड में बॉम्बे की फीलिंग मिलनी चाहिए, इस वजह से हम लोग ने ये टाइम पास कैफे, मतलब तो आप देख भी रहे होंगे कि हमने जो लुक दिया है और जो टच दिया है ये पूरा साउथ मुंबई में मिलता है, मीरा रोड में आपको इस तरह का मिलेगा नहीं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बाहर भी बताया था और इंटर होती बताई थी, एक ऑथेंटिक कैफ़े लग रहा है, जो एक कैफ़े ओल्ड टाइम में चलते थे, 90s में जैसे कैफ़े चलते थे, सेम वैसा कैफ़े है ये। यहाँ पे आशीष जी खड़े हुए हैं, अगर आप देखिए तो इन्होंने कैप पहनी हुई है जो सर पे पहनते हैं कुकिंग करते वक्त, और जो इनकी जो यूनिफॉर्म है वो भी एक शेफ़ यूनिफॉर्म है, इनका पूरा गेटअप शेफ़ का है। पार्टनर मतलब ये ओनर है यहाँ पे कैफे के, को ओनर है, लेकिन तब भी इन्होंने शेफ़ का जो जो इन्होंने आउटफिट है वो शेफ़ है। जानते हैं इनसे इन्होंने शेफ़ का आउटफिट क्यों लिया?
है आशीष जी आपने ये शेफ का आउटफिट क्यों लिया है आई लाइक टू मेक माय कस्टमर्स ईट माय हैंड का फूड बिकॉज वी हैव अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट वी हैव अ टोटली डिफरेंट लुक सो वी वांट टू मेक देम टू टेस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ फूड व्हाट यू डोंट गेट इन रेगुलर कैफेज तो आशीष जी का कहना है कि उन्हें कुकिंग पसंद है और वो अपने जो यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं टाइम पास कैफे में वो उन्हें अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ टेस्ट कराना चाहते हैं क्योंकि जो उनके हाथ का टेस्ट है वो आपको किसी भी रेगुलर कैफे में नहीं मिलेगा वो मिलेगा कहाँ सिर्फ टाइम पास कैफे में इसीलिए आशीष जी इतनी मेहनत करते हैं कि वो खुद ओनर है लेकिन तब भी यहाँ पे एक ऐसा वर्कर अपना फूड जो वो बनाते हैं वो उसके जो हाथों का उनका जो जादू वो यहाँ के लोगों को टेस्ट कराना चाहते हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि टाइम पास कैफे एक नया कैफे जो ऑथेंटिक 90s का कैफे है उसको वापस रिवॉल्यूट कराया इन लोगों ने और आशीष जी इस कैफे को ओपन हुए कितना टाइम हुआ इट्स बीन 3 days नाउ थ्री डेज ही हुए और मेरे को लगा था काफ़ी टाइम से कैफे हुआ है यहाँ पे मतलब 3 days में इतनी पॉपुलैरिटी और इतना सही कैफे खोलना मतलब इतनी अच्छी यहाँ के इंटीरियर यहाँ का मैनेजमेंट और आशीष जी खुद यहाँ पे लगे हुए हैं और इनके साथ ही इनके को पार्टनर जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह जी वो इनके साथ इनका मैनेजमेंट देखते हैं आशीष जी फूड बनाते हैं वो मैनेजमेंट देखते हैं काफ़ी अच्छा है साथ में मिलकर इनकी जो ये जोड़ी है काफ़ी आगे तक जाएगी और काफ़ी ये कैफेज और खोलेंगे टाइम पास कैफेज की ब्रांच भी खोलेंगे तब तक आशीष जी आपका कैफे की टाइमिंग क्या है इट्स फ्रॉम 11 इन द मॉर्निंग टू 11 इन द नाइट ओके 11 टू 11 यानी 12 आवर्स तो व्हाट यू सर्व हियर वी सर्व पास्तास बर्गर्स हॉट डॉग्स सैलड्स फ्रेंच फ्राइज मिल्क शेक्स टीज एंड कॉफीज सो आपकी यहाँ की स्पेशलिटी क्या है सैलड्स एंड पास्तास सैलड्स एंड पास्तास ओके और सैलड्स एंड पास्तास में क्या स्पेशलिटी जो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं वो क्रीमी चीज़ पास्ता एंड सीज़र सैलड क्रीमी चीज़ पास्ता एंड सीज़र सैलड तो क्या आज आप वो हमें टेस्ट कराएंगे यस श्योर सो गाइस अब बात करते हैं भूपेंद्र जी से और जानते हैं ये टाइम पास कैफे का मैनेजमेंट वो कैसे संभालते हैं जो यहाँ के को ओनर भी हैं साथ ही साथ तो भूपेंद्र जी आपका ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम पास कैफे का ये आपकी ही सोच है या फिर आशीष जी जी हमारा एक ही मोटो था ये इस कैफ़े का यहाँ पे लाना कि यहाँ पे जब इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा नहीं और हमारा एक ही मोटो था कि कस्टमर जब आए अंदर उसको कुछ अलग ही फील होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं मिल रहा फूड के मामले में हो या एम्बियंस के मामले में हो या आए आदमी तो बस जब यहाँ से जाए तो बस उसके दिमाग में एक ही चीज़ जाना कि मैं जिस चीज़ के लिए आया था तो मुझे मिला कि हाँ भाई सेटिस्फाइड होके जाना चाहिए चाहे वो सर्विस के मामले हो फूड हो या सर सिटिंग अरेंजमेंट तो दोस्तों जैसे कि भूपेंद्र जी ने बताया उनका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था एक ही मोटो था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इनका मोटो है कस्टमर जाए इस कैफे से तो उसके ज़ुबान पे बस यही हो कि वाह टाइम पास कैफे में टाइम स्पेंड करके मज़ा आ गया और सर आपके स्टाफ में कितने जन हैं हमारे स्टाफ में चार जन हैं और देखा हमारे ओनर मेरे पार्टनर खुद स्टाफ में मतलब ऐसे लगे हैं वो खुद देखते हैं कि क्या मतलब यही है कि हमारा मोटो जो था कि भाई पब्लिक को जो कस्टमर आ रहा है उसको सेटिस्फेक्शन हमारे मतलब ऐसे चीज चाहिए okay, तो आशीष जी यहाँ पे फूड कैटेगरी संभालते हैं और आप यहाँ पे मैनेजमेंट जी, जी 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 काफ़ी अच्छा वेंचर है आप लोग का मिलके कि ऐसा ऑथेंटिक कैफे कहीं नहीं है हो मीरा रोड में तो साउथ बॉम्बे का यहाँ पे लेकर आओ जी और तो चलिए आप अपना काम कीजिए और अगर मैंने आपको डिस्टर्ब करा हो तो उसके लिए सॉरी और तब तक मैं आप हमारे दर्शकों को जो टाइम पास कैफ़े का जो मेन्यू है उससे रूबरू कराता हूँ तो दोस्तों अभी हमने बात करी मिस्टर आशीष जो यहाँ के ओनर हैं और भूपेंद्र सिंह जी से जो यहाँ के को ओनर और इनके पार्टनर भी हैं भूपेंद्र सिंह जी मैनेजमेंट संभालते हैं और आशीष जी खुद एक शेफ हैं और यहाँ का जो फूड होता है वो उसको प्रिपेयर भी करते हैं मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब वो मेरा क्रीमी पास्ता और सैलड लेकर आया मैं उसको टेस्ट करके बताऊँ आप लोग को वो कैसा बनाया तब तक के लिए मैं आपको मेन्यू कार्ड से रूबरू कराता हूँ टाइम पास कैफे का एकदम टाइम पास मेन्यू कार्ड उससे एकदम स्पेशल डिफरेंट और टाइम पास कराने वाला मेन्यू
यहाँ पे आपको टी में मिलेगा सिंपल टी, मसाला टी, जिंजर टी, ग्रीन टी, लेमन आइस टी और ब्लैक लेमन एंड हनी टी। टी के आपने रेट्स देखे 40, 50, 90, 50, एकदम रीजनेबल रेट्स हैं, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा कम। मिल्क शेक में ब्लूबेरी मिल्क शेक, रोज मिल्क शेक, ओरियो मिल्क शेक, किटकैट मिल्क शेक, बर्गर में चिकन एंड चीज़ बर्गर, वेज एंड चीज़ बर्गर, एग बन, कैस्ट्रो बर्गर, और कॉफ़ी में इंस्टेंट कॉफ़ी, एस्प्रेसो, कैपेचिनो, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, बेवरेज में मिनरल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेश लाइम सोडा। हॉट डॉग में यूरोपियन चीज़ी हॉट डॉग, शिकागो वेज एंड चिकन हॉट डॉग, कोनी आइलैंड चिली हॉट डॉग। सैंडविचेस में आपको मिलेगा वेज चीज़ सैंडविच, वेज ग्रिल चीज़ सैंडविच, चिकन सैंडविच, चीज़ सैंडविच और चिकन चीज़ ग्रिल सैंडविच। पास्ता में क्रीमी वाइट चीज़ी वेज पास्ता, क्रीमी वाइट चीज़ी चिकन पास्ता, टेंगी रेड वेज पास्ता, टेंगी रेड चिकन पास्ता। सैलेड में आपको मिलेगा ग्रीक सैलेड वेज, ग्रीक सैलेड नॉन वेज, सीज़र सैलेड वेज, सीज़र सैलेड नॉन वेज। फ्राइज में फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज एंड चीज़, फ्रेंच फ्राइज एंड मेयो। एक्स्ट्रा डिप भी आपको मिलेगी मेयो सॉस और एक्स्ट्रा चीज़ में। तो दोस्तों ये था टाइम पास कैफ़े का एकदम डिफरेंट और टाइम पास मेन्यू, जो एक कैफ़े ऑथेंटिक कैफ़े की जो डिशेज होती हैं वो सब थी इसमें। सैलेड हो, पास्ता हो, सैंडविचेस हो, हॉट डॉग, बर्गर्स, कुछ भी हो, यहाँ पे आपको एकदम इंटरेस्टिंग मिलेगा। दोस्तों बस वेट है मेरे क्रीमी पास्ता और सैलेड आने का, फिर मैं आपको वो टेस्ट करके बताऊँगा वो कैसा बना है। सो गाइस मेरे इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि टाइम पास कैफ़े में थोड़ा टाइम पास करने के बाद अब मेरे सामने जो यहाँ की स्पेशलिटी डिश है वो मेरे सामने आने वाली है, और फिर मैं आपको उसको टेस्ट करके बताऊँगा कि वो कैसी बनी है और आपको टाइम पास कैफ़े क्यों आना चाहिए। और दोस्तों ये रही मेरी डिश। भाई ये क्या है? पास्ता, पास्ता चीज़ी पास्ता, वेज एंड चीज़ पास्ता। वेज एंड चीज़ पास्ता यानी जो मिस्टर आशीष ने मेरे को बताया था, वेज एंड चीज़ पास्ता जो यहाँ की स्पेशलिटी है, वो अब मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगा वो कैसी बनी है और ये कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मेरे को खुद को नहीं पता। दिखने में तो इतना अच्छा लग रहा है क्रीमी पास्ता, फिर उसके ऊपर से मेयोनीज़, इसको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना रही है। मैं आपको इसको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा बना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मतलब क्रीमी वेज पास्ता, ये फुल क्रीम क्रीमी लोडेड पास्ता, ये एक्स्ट्रा चीज़ जो एक्स्ट्रा म्यूनिस जो इन्होंने ऊपर से लगाई है इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रही है, क्योंकि एक एंड में जो इसका टेस्ट रह जाता है मुंह में क्रीम का, बहुत ज़्यादा टेस्टी है वो। और वेजीज इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम फ्रेश वेजीज यूज़ करी हैं और बहुत अच्छी एक जो ओके क्वांटिटी बोलते हैं, जो परफेक्ट क्वांटिटी होनी चाहिए पास्ता में, वैसे ही वेजीज यूज़ करें इसमें। और पास्ता जो पैने पैने हैं वो भी एकदम सॉफ्ट है। दोस्तों मैंने आपको बताया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पास्ता है, और ये इतना टेस्टी क्यों ना हो, क्योंकि मिस्टर आशीष जो यहाँ के ओनर है, जिनसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, उन्होंने खुद इसको प्रिपेयर करा और इतने अच्छे से, इतने प्यार से प्रिपेयर करा कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, एकदम प्रॉपर पास्ता, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा मीठा, कुछ भी नहीं, एकदम प्रॉपर जो एकदम परफेक्ट पास्ता होता है वैसा पास्ता ये। जो पैने हैं वो भी एकदम परफेक्टली बॉयल है, ना ज़्यादा कच्चा रह गया है जिसके चक्कर में ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए चीज़ करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एकदम सॉफ्ट है, एकदम ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं कि एकदम मेल्ट हो जाए मुँह में जाते ही, बिल्कुल भी नहीं, वैसा परफेक्ट पास्ता जिसको बोलते हैं ये वो परफेक्ट पास्ता है। सो गाइस अब टाइम पास कैफे की एक और स्पेशलिटी जो है मेयोनीज फ्रेंच फ्राइज, अब वो भी मेरे सामने आ चुका है। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छे से इसको गार्निश करा है, पेरे पेरे मसाला में इसको फ्रेंच फ्राइज, ऊपर से मेयोनीज और साथ में सॉस और मेयोनीज। और सबसे बड़ी बात, इससे ज़्यादा अच्छी बात ये कि जो यहाँ के ओनर है मिस्टर आशीष, उन्होंने मेरे को सर्व करा, तो ये मेरे लिए कितने ऑनरेबल की बात है कि आशीष जी जो खुद एक ओनर है वो मेरे को सर्व कर रहे हैं। तो आप आशीष जी से जानते कि इन्होंने इसको कैसे बनाया है और कितना प्यार से बनाया है। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि आशीष, मिस्टर आशीष जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने एक अपने आप को शेफ की तरह ड्रेस करा है, शेफ़ की यूनिफॉर्म पहनी है, ऊपर इन्होंने शेफ़ की जो कैप होती है जिससे बालों से गंदगी ना जाए वो पहनी है, और हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं लोगों के हाइजीन का ख्याल रखने के लिए। और आशीष ने खुद टाइम पास कैफ़े जो इनका लोगो है, टाइम पास कैफ़े के लोगों की टी शर्ट पहनी हुई है, ये रिप्रेजेंट करते हैं मैं टाइम पास कैफ़े में हूँ, और इनको इस बात का ये कुछ ये नहीं है कि मैं ओनर हूँ तब भी मैं वर्कर की टी शर्ट पहन रहा हूँ, ये उन्होंने खुद इसकी टी शर्ट पहनी टाइम पास कैफ़े की, ये दिखाने के लिए मैं यहाँ पे शेफ हूँ और मैं कुक करता हूँ, और मैं इस बात के लिए प्राउड हूँ कि मैं एज अ ओनर नहीं, एज अ वर्कर यहाँ पे काम करता हूँ। तो मिस्टर आशीष आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एग्जैक्टली ये डिश है क्या? It's French fries and mayo.
So it's a combination of a little tangy and a little sweet, and it's a very mouth-watering kind of a tangy taste. So, दोस्तों आशीष ने हमें बताया कि ये एक फ्रेंच फ्राइज है विद मेयोनीज, यानी इसमें थोड़ा स्वीट है, थोड़ा टैंगी टेस्ट आता है जो मुंह में पानी ला देगा आपके, इतना टैंगी टेस्ट होता है ये. सो आशीष, आपसे एक बात पूछूं मैं कि आपने जो ये प्रिपेयर करा, ये आपको कितना टाइम लगा प्रिपेयर करने में? मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स और मे बी 3. 2 to 3 minutes, यानी इतनी फास्ट सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कैफे में मिलेगी, और साथ ही साथ थोड़ा सा प्यार भी मिलेगा क्योंकि खुद यहाँ पे ओनर जो है उसको डिश को तैयार करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको कुक करते हैं क्योंकि खुद एक शेफ़ हैं. तो आशीष जी, आपको कुक करना अच्छा लगता है या फिर आप प्रोफेशनली शेफ़ हैं? It's a passion of mine of cooking. Since small, I've been cooking a lot of various other dishes as well, and I have a passion of learning more and more. So, आशीष ने बताया कि उनको बचपन से ही शौक था इतनी सारी डिशेस बनाने का, कुक करने का ये इनका पैशन है, और उनको अभी भी अच्छा लगता है कि अलग अलग डिशेस ट्राई करें और बनाएं. सो आशीष, आपको कैसा लगता है कि अगर कोई कस्टमर आप यहाँ पे आता है और फिर वो आपके बनाए हुए फूड की जो आपने खुद बनाया हो उसकी आपसे तारीफ़ करता है, आपको कॉम्प्लीमेंट देता है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है अंदर से? इट फील्स गुड कि आई हैव means my hard work has paid off and the customers that have come have really liked what they have eaten. आशीष का कहना है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जो भी वो डिश बनाता हो, कस्टमर उस पर उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उनको लगता है कि उन्हें जो मेहनत करी है वो रंग लाई, और उन्हें अच्छा लगता है कि कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, इन्जॉय करते हैं, उनके फूड को इन्जॉय करते हैं, उनका फूड उन्हें इतना अच्छा लगता है. सो आशीष, अब मैं इसको टेस्ट करूँगा और अपने दर्शकों को बताऊँगा ये कैसा बना है, और फिर मैं आपको भी बताऊँगा कि आपने इतनी मेहनत जो करी है इसके पीछे. सो लिटिल मेयोनीज एंड फिर सॉस. अमेजिंग, इट टेस्ट्स वेरी गुड. गाइस, मैंने पहली बार तो नहीं लेकिन इतना टेस्टी मैंने पहली बार कोई फ्रेंच फ्राइज और मेयोनीज कॉम्बिनेशन टेस्ट किया, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज की खासियत ये होती है कि वो इतने अच्छे से फ्राइड होते हैं, एकदम सॉफ्ट लगते हैं, और मेयोनीज जो उसको और सॉस जो उसको टैंगी टेस्ट देती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और ये परफेक्ट जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कच्चा रह गया फ्रेंच फ्राइज़ या फिर ज़्यादा कुक हो गया, जल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, परफेक्ट टेस्ट है. और आशीष, ये जो आपने फ्रेंच फ्राइज तैयार करें, इसके ऊपर आपने कुछ मसाला और स्पाइसेस आपने कुछ लगाया? यस, आई हैव पेरी पेरी मसाला एंड It, because that gives a tangy taste and plus the sweet sauce, the mayo. यस, आशीष ने हमें बताया कि इस पर इन्होंने पेरी पेरी मसाला और म्यूनीज और सॉस लगाई है जिससे इसको टेंगी टेस्ट मिलता है. मेरे को लगा ही था क्योंकि इतना टेंगी टेस्ट पेरी पेरी मसाला में ही हो सकता है, वो भी क्यों ना हो क्योंकि आशीष ने खुद अपने हाथ से प्रिपेयर करा है, उन्हें मालूम है इसमें कितना मसाला, कितनी सॉस, कितनी म्यूनीज डालनी है, तभी तो इतना शानदार खाना बनाते, इतना अच्छे से इसको कुक करते हैं. एंड आशीष, जो इससे पहले मैंने पास्ता टेस्ट करा था वो भी आप ही ने बनाया था? यस, बहुत बहुत टेस्टी पास्ता था, एंड आई हैव टू से दैट वाज द ओनली पास्ता आई हैव टेस्टेड इन सच अ लॉन्ग टाइम. आई एम मेकिंग व्लॉग्स सिंस अ लॉन्ग टाइम, मे बी 2 to 3 months, एंड दिस वाज द बेस्ट पास्ता आई हैव एवर ईटिंग. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ टेस्टी पास्ता टू टेस्ट इट. थैंक यू. यू आर मोस्ट वेलकम सर. सो दोस्तों, सच्ची में पास्ता भी बहुत टेस्टी और म्यूनीज भी बहुत टेस्टी, म्यूनीज वाला फ्रेंच फ्राइज भी बहुत टेस्टी. अब बस इंतजार है सैलेड का जो मैं आपको टेस्ट करके बताऊँ. आशीष, वो सैलेड भी आप ही प्रिपेयर करेंगे? यस. मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत, 3 dishes एक ही रो में खुद आशीष प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके स्टाफ में और भी ज़्यादा वर्कर्स हैं, इनके को वर्कर्स भी, लेकिन ये खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है इनको. आशीष जी, आपको अच्छा लगता है ये प्रिपेयर करना या फिर आप चाहते हैं कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिले? Satisfaction as well, and it's a passion, so how it goes. So you don't like anyone to interfere in your kitchen? Yes. अरे मतलब इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई इनके किचन में इंटरफेयर करे, इनकी जो फूड है, जो इनका किचन है, इनका खाने बनाने का तरीका है, उससे मैं इंटरफेयर करे, कुछ छेड़खानी करे. सो ही मेक्स हिज फूड ऑन हिज ओन. सो गाइस, अब फ्रेंच फ्राइज विद मेयोनीज के बाद अब बारी आ चुकी है यहाँ के स्पेशल सैलेड की. ओह माय गॉड, ये कितना अमेजिंग लग रहा है.
आशीष मेरे को सच्ची में समझ में नहीं आ रहा ये एग्जैक्टली क्या है, और आप ही बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को, कि ये सैलेड एग्जैक्टली क्या चीज़ है। इट्स अ वेज सीजर सैलेड, इट हैज इज गार्निश्ड विद ब्लैंड चीज सॉस एंड क्रोटॉन्स एंड यस चीज सॉस एंड सब। ओके, सो आशीष ने हमें अभी बताया ये एक सीजन सैलेड है, इसमें वेजिटेबल्स है और ये चीज़ के साथ गार्निश करा गया, ऊपर से मेयोनीज है और क्या था, क्रोटॉन्स यानी ब्रेड क्रम्स भी बोलते हैं ना। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में, आपने भी देखा ये कितना अच्छा है, हेल्दी है पहली बात तो, इज़ इट हेल्दी? यस इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग, सैलेड है और ऊपर से सीजन सैलेड तो इतनी हेल्दी तो होना ही था। और एंड आशीष दिस इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई यू? यस। सो ये भी आशीष ने प्रिपेयर करा, मतलब तीनों डिश आशीष ने प्रिपेयर करी, वो भी कितने टाइम में, हमें आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और इतनी सारी डिशेज इतने कम टाइम में प्रिपेयर करना, हेड्स ऑफ टू यू आशीष एंड यू आर अ वेरी गुड शेफ, आई हैव टू से इट अगेन एंड अगेन, एंड आई हैव टू एडमिट दैट टाइम पास कैफे इज़ द बेस्ट कैफे आई बीन इन अ वाइल ऑफ 2 to 3 months, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड व्लॉगिंग इन 2 to 3 months ओनली, एंड आशीष आई विल टेस्ट दिस ऑल्सो एंड टेल माई व्यूअर्स दैट इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अमेजिंग। सो इट्स वेरी हेल्दी, बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये। और दोस्तों ज़्यादा सलाद में ऐसा क्या अच्छा होता है कि हम लोग को पसंद नहीं आता, हम लोग को मसालेदार चीज़ चटपटी चीज़ पसंद है क्योंकि उसको खाने के बाद अलग ही टेस्ट में मुंह में टेस्ट रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सलाद भी हेल्दी होती है और ये सलाद इतना टेस्टी कि आप चटपटा ऑयली खाना सब भूल जाएंगे, हमने जो फ्रेंच फ्राइज पास्ता खाया इतना फैटी और इतना ऑयली वो सब भूल जाएंगे, इतना टेस्टी है। इसमें आपको ब्रोकली है, कोरिएंडर और सारी ग्रीन वेजिटेबल्स है, फिर ऊपर से चीज़, क्रोटॉन्स, मेयोनीज, जिसको एक्स्ट्रा टेस्ट दे रही है, एंड में जब हम खाते हैं ना तो मुँह में टेस्ट रह जाता है थोड़ा, तो वो चीज़ का टेस्ट रह जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और ये टेस्टी इतना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये दोबारा से आशीष ने प्रिपेयर करा है, वो चीज़ बनाते जा रहे हैं हम लोग के लिए, डिशेस बनाते जा रहे हैं और हम उसको खाते जा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। दोस्तों मैं बहुत सारे कैफे गया हूँ लेकिन जो मज़ा मेरे को टाइम पास कैफे में है, जो आराम, जो अपनापन मेरे को टाइम पास कैफे में लगा, वो मेरे को कहीं नहीं लगा। इन्होंने इतना अच्छे से मेरे को ट्रीट करा, इतनी हॉस्पिटैलिटी करी मेरी, इतनी टेस्टी टेस्टी डिशेस दी, चाहे वो पास्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज विद मेयोनीज ही क्यों ना हो, वो वेज सैलेड ही क्यों ना हो, सीजन सैलेड, वो बहुत अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पे आके। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखने में अपने वो टाइम मत वेस्ट करिए, आप भी आइए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, नेबर्स के साथ आइए, और इतना टेस्टी फूड, और एक बार मेरे आने से, मेरे कहने से आप एक बार आइए और आशीष से मिलिए, उनसे बात करके देखिए कितना अच्छा लगता है कि वो खुद एक शेफ़ और इतना अच्छा काम करते, तो आपको जो मोटिवेशन मिलेगी कि ऐसा कोई काम छोटा नहीं होता कि आप ओनर हो और अपने शॉप में या अपने कैफ़े में काम नहीं करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता, करके देखिए बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स के साथ शेयर करें और यहाँ पे आएँ और टैंपस कैफ़े में आके इतने अच्छे इंटीरियर, इतने अच्छे फूड का मज़ा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए। और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपको ये फूड कैसा लगा और आशीष की मेहनत, आशीष का हार्डवर्क आपको कैसा लगा, यहाँ का इंटीरियर कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पेबल्स फूड कार्ट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगली बार जब भी हम एक और ऐसी डिफरेंट, यूनिक और स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे तो आप उसको देख पाएंगे, उस जगह पे पहुंच पाएंगे और उस जगह का फूड का मज़ा और लुत्फ उठा पाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और एक और वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे कहाँ, पेबल्स फूड कार्ट पे। बाय।